नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा पूर्व जन्म श्राप श्रृंखला के ऊपर। अभी तक के जो वीडियो हमने दो बनाए, पहले वीडियो में बताया सिर के रोग और दोष, क्षमा कीजिए, पहले मैं बताया कंठ के रोग और कर्ण के कान के रोग, दूसरे वीडियो में बताया सिर के रोग शिरोपीड़ा। कंठ के रोग अर्थात गले में असाध्य तकलीफें, ऐसी तकलीफ जो ठीक होने में बड़ा परेशानी करे, ऐसे रोग जिनके कारण से व्यक्ति के जीवन के ऊपर संकट बन जाए। कान के रोग, कम सुनाई देना, कान में लगातार परेशानियां बने रहना, कर्ण के अंदर ऊंचा सुनाई देना, इस प्रकार के रोगों के बारे में बताया था जो शास्त्र के अनुसार। वैसे तो हमने इसमें बोला था कि इसमें जो ज्योतिषीय परिहार है वो अंत में करेंगे, लेकिन साथ साथ एक जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर व्यक्ति के साथ अगर ऐसा है तो प्रथम दृष्टि में उसने क्या करना चाहिए। देखिए, ये रोग जो किसी भी प्रकार का है, ये चिकित्सा का क्षेत्र है, ये ज्योतिषीय क्षेत्र नहीं है। हम श्राप के कारण से उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि ये कह रहे हैं कि इससे रोग शांत हो जाएगा या रोग ठीक हो जाएगा। मुख्य रूप से तीन विद्याएं, चिकित्सा, ज्योतिष और पठन पाठन गीत संगीत, ये गुरुमुखी हैं, इनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। किसी भी प्रकार का कैसा भी कोई रोग क्यों ना हो, सर्वप्रथम जो उस रोग का विशेषज्ञ है उसको दिखाना बहुत आवश्यक है। जैसे मान लीजिए किसी को कर्ण संबंधी, कान से संबंधित रोग है, तो पीछे बताया था कि चुगली सुनना, गलत बातों को सुनना, किसी के कान के अंदर तकलीफ पहुंचा देना, इसके कारण से कर्ण के रोग बनते हैं, कान के रोग बनते हैं इस जन्म के अंदर। लेकिन इसमें साथ साथ में और कई योग भी होंगे जो इसको इंगित करते हैं कि ऐसा बनेगा। यहीं पे एक बात आती है, तो फिर इसमें करना क्या चाहिए। मैं बड़े स्पष्ट तरीके से कह रहा हूं, सर्वप्रथम जो चिकित्सक है रोग का, उससे मिलना चाहिए, उससे परामर्श लेना चाहिए, उसके परामर्श से औषधि, चिकित्सा निदान के तरीके समझ के उसका प्रयोग करना चाहिए। साथ में जो ज्योतिष संबंधी उपाय बताए जाएंगे उनको भी साथ में कर लेंगे तो बेहतरी से कार्य हो जाएगा। आज हम बात करेंगे जठराग्नि अर्थात भोजन पचाने की प्रक्रिया और एक विशेष राशि जिसके ऊपर पाप प्रभाव हो तो विशेष रूप से ये देखना चाहिए कि ये पूर्व जन्म के रोग तो नहीं है। जठराग्नि अर्थात पाचन क्रिया, पाचन क्रिया अर्थात लीवर, लीवर से संबंधित चीजें, आंत, अमाशय आदि। शास्त्र के अनुसार ये कहा गया है, धर्म ग्रंथ के अनुसार ये कहा गया है, पुराण के अनुसार ये कहा गया है, जिस भी व्यक्ति ने पूर्व जीवन में किसी का अनाज चुराया हो, इस जीवन के अंदर उसको उदर संबंधी रोग, पेट संबंधी रोग, यकृत संबंधी रोग, हृदय लीवर संबंधी रोगों की उत्पत्ति होने की संभावना प्रबल होती है। ताना बाना देखिए कितना आपस में मिलता है,
आपने किसी के अनाज को चुराया है और इस जीवन में भूख आपकी अपने आप कम हो रही है, अर्थात ऐसा पुराण कह रही है। कैसे अनाज चुराया होगा उसने? हो सकता है कोई दुकानदार बन के सामान कम तोला हो भोजन का, जितना पूरा देना हो सामान उसने कम दिया हो। जो व्यक्ति ने मोल प्रदान किया है उस भोजन के लिए, उसकी गुणवत्ता में गिरावट करके दी हो, इस जीवन में उस रोग को भोगना पड़ता है। यकृत संबंधी रोग अर्थात लीवर संबंधी, उदर संबंधी रोगों को झेलना पड़ता है। ये सामान्य रोग की मैं बात नहीं कर रहा, सामान्य तो किसी को भी गैस्ट्राइटिस होना और ये सब बहुत आम है जीवन शैली के कारण से। जो क्रॉनिक जटिल रोगों के बारे में ये चर्चा चल रही है, इसलिए इस जीवन के अंदर ऐसा कोई कार्य ना किया जाए कि जो व्यक्ति अपने भोजन से संबंधित पदार्थों को मोल चुका के खरीद रहा है, ले रहा है, क्रय कर रहा है, अगर व्यक्ति उसके अंदर कमी करेगा तोल में या किसी के स्थान से भोजन की वस्तुओं को चुराएगा तो उसको ये दोष लगने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है, एक बात। दूसरी बात, एक राशि है वृश्चिक, ज्योतिष के अंदर मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक। वृश्चिक राशि को ज्योतिष के अंदर कीट राशि कहा गया है। शरी सर्प बोलते हैं इसको, मतलब जो रेप्टाइल्स होते हैं उसके अंदर इसको शामिल किया जाता है, विशेषकर जहरीले कीड़े मकोड़ों के लिए वृश्चिक राशि अर्थात 8 अंक की, या मेष से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आठवें स्थान पर पड़ने वाली राशि। आठवीं राशि वृश्चिक पे अगर पाप प्रभाव है, आठवीं राशि वृश्चिक के ऊपर अगर पाप प्रभाव है तो ये भी कई बार पूर्व जन्म के दोषों को बताता है। बड़े ध्यान से सुनिए, ऐसा एक ज्योतिषीय ग्रंथ में पढ़ने को मिला, कई बार इसका प्रयोग किया और कई बार इसके बड़े सटीक परिणाम आए। आठवीं राशि वृश्चिक अगर पाप प्रभाव में है, पाप प्रभाव से यहां मतलब क्या है कि इसके ऊपर क्रूर ग्रहों की दृष्टियां हो, क्रूर ग्रह इसके अंदर विद्यमान हो, पाप ग्रह इसके अंदर विद्यमान हो, क्रूर ग्रहों के द्वारा देखी जाए तो ये कुदरती दोष कारक होती है। दोष क्या है? जन्म कुंडली के 12 भाव हैं, 1, 2, 3 से 12, और हर भाव का किसी ना किसी व्यक्ति विशेष से या स्थान विशेष से संबंध है। उदाहरण, जैसे वृश्चिक राशि अगर लग्न में ही पड़ी है और पाप प्रभाव में है तो जातक के खुद के ही कृत्य अनजाने में ऐसे हुए हैं जो इस जीवन में उसको परेशान कर रहे हैं। दूसरे भाव में अगर पड़ी हुई है तो कुटुंब परिवार के द्वारा, व्यक्ति की वाणी के द्वारा कोई ऐसे कृत्य हुए हैं जिसके कारण से जातक को इस जीवन में दोष लगे हुए हैं। तीसरे स्थान में अपने भाई बहनों का हक मारने के द्वारा, भाई बहनों द्वारा समाज को पीड़ा पहुंचाए जाने के कारण से, व्यक्ति विशेष का अपने भाई बहनों को परेशान करने के कारण से, जहां भी वृश्चिक राशि
पाप प्रभाव में, स्पेसिफाई समझ लीजिए, पाप प्रभाव में हो, एस्पेक्टेड दृष्ट ऑक्यूपाइड बैठा हुआ ग्रह उसके अंदर पाप प्रभाव हो, तो वो स्थान विशेष व्यक्ति के पूर्व जन्मों से दोषों को कैरी करके लेके आ रहा है। परिहार में इसमें बताएंगे कि क्या है। तो वृश्चिक राशि को भी कीट राशि है, ये सरीसृप राशि है। जैसे छाया ग्रह राहु के बारे में बोला जाता है कि ये हमारे पूर्व जन्म के फलों को बताता है। एक पीछे बड़ा ज्योतिष पे मैं इसमें ना चाहते भी मेरे को बीच में आना पड़ता है, पीछे बहुत सारे संदर्भों में, बहुत सारे पुस्तकों में सर्प काल योग, काल सर्प योग, सर्प काल योग, कुछ हद तक तो ये भी आने लग गया कि 12 प्रकार के काल सर्प योग, 12 प्रकार के काल सर्प योग। मेरे आचार्य आचार्य मिश्र, हमने बार उनसे चर्चा में बात करी, साझा किया, मैंने कहा गुरुवर ये क्या है। तो कई बार जो अधूरा ज्ञान है वो भी दोष कारक होता है। हर माह की कृष्ण पंचमी को, हर महीने की कृष्ण पंचमी को नाग पूजन होता है, अर्थात सरीसर्प का पूजन होता है, वासुदेव कुटुंब सर्वम। भारतीय ताना बाना इतना जबरदस्त है, उसमें हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर जीव, हर प्रकृति के हर वस्तु को पूजनीय माना गया है। तो सर्प के लिए भी उसमें पूजा बताई गई है। तो हर महीने की कृष्ण पंचमी महीने में एक ही बार आएगी, महीने में कृष्ण पंचमी एक ही बार आएगी, ये चंद्र मास के अनुसार। उस कृष्ण पंचमी को एक विशेष सर्प के नाम से पूजा होती है, अर्थात सरी सर्पों को, चाहे उसमें चींटियां हैं, चाहे उसमें दीमक है, उनके लिए पेड़ों के किनारे थोड़ा आटा वगैरह डाला जाता है। उसी के 12 सर्प कालयोग के भेद बता दिए गए। जब अगली चर्चा सर्प कालयोग की करेंगे तो उसमें बताएंगे कि असल में सर्प कालयोग कितना है, उसमें भ्रांतियां कितनी है, सच्चाई कितनी है। आज की चर्चा तो हम पूर्व जन्म के श्राप के ऊपर ही रखें। क्या निकल के आया कि किसी भी व्यक्ति ने अगर किसी अनाज की, भोजन पदार्थों की चोरी करी है तो इस जीवन में उसको उदर संबंधी रोग, पेट संबंधी रोग, पाचन संबंधी रोग जीवन में देखने को मिलेगी। एक हो सके ऐसा किसी के साथ ना हो, एक ने अपनी भोजन, अपनी भूख को शांत करने के लिए भोजन चुराया और एक ने दूसरे का हक मारने के लिए भोजन चुराया। दोनों में जमीन आसमान का, आकाश पाताल का फर्क है। एक किसी का हक मार रहा है और एक अपनी जठराग्नि को शांत करने के लिए भोजन चुरा रहा है। वैसे तो ईश्वर ने चाहा तो कोई चुराता नहीं है, कोई मांगता है तो निरीह प्राणियों के लिए भी भोजन ईश्वर अपने आप व्यवस्था करता है। जैसे अभी समय चल रहा है, व्यवस्था ने हर व्यक्ति तक भोजन पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ईश्वर ने कहा चाहे तो कोई भूख से परेशान नहीं होगा। अगर व्यक्ति किसी के भोजन पदार्थों की चोरी करता है तो इस जीवन में उदर संबंधी रोग होने की प्रबल संभावनाएं बनती है। जटिल रोग, सामान्य रोग नहीं। कोई व्यक्ति कहने लगे मुझे गैस या वायु, बड़ी वायु विकार, अपाना है चाहे उदाना है चाहे वो बन रहा है, तो वो यहाँ पे निर्धारित नहीं है। वायु विकार एक अलग चीज है, लेकिन भोजन पचना ही ना कि एक अलग चीज है। आज की छोटी चर्चा पूर्व जन्म शराब के अंदर आपने हमसे भाग लिया, इसमें तीन चीजें निकल के आई। पहला,
हर रोग के लिए सबसे पहले उचित चिकित्सक को दिखाइए, सबसे पहले उससे मार्गदर्शन लीजिए, चिकित्सा सहायता लीजिए, सलाह लीजिए, औषधि लीजिए। दूसरा, ज्योतिष के अनुसार वृश्चिक राशि पे अगर पाप प्रभाव हो तो ये दोष कारक होती है। तीसरा, उदर संबंधी रोग में पूर्व जीवन में जब किसी व्यक्ति ने किसी का भोजन पदार्थों को अनाज के लिए बोला, उसमें अनाज चुराया हो तो इस जीवन में उसको उदर संबंधी रोग होने की संभावनाएं रहती है। ऐसा कोई कृत्य ना करें कि इस जीवन में आपको किसी असाध्य रोग का सामना करना पड़े। छोटी चर्चा, अध्यात्म में आपने भाग लिया, पूर्व जन्म श्राप में आपने भाग लिया। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। एक समय बना हुआ है, उसको व्यवस्था के, सरकार के दिशा निर्देशों को मानते हुए अपने आप को सुरक्षित रखिए। ईश्वर ने चाहा तो ये संकट काल बीत जाएगा, व्यवस्था पे पूरा भरोसा रखिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक पसंद आए तो कर दीजिएगा, कमेंट लिख दीजिएगा, कोई जिज्ञासा हो तो आप नीचे उसमें लिख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मेरा हर वीडियो के अंदर मेल एड्रेस भी आपको मिलता ही है, उससे आपको अपने प्रश्नों के जवाब वहां से भी मिल सकते हैं। व्यवस्था के कारण से कई बार नहीं भी दे पाते, लेकिन कोशिश करते हैं, दे देते हैं। तो आज की चर्चा को यहीं संपूर्ण करते हैं। अंधेरे को दूर भगाने के लिए, मन का अंधेरा, अवसाद का अंधेरा और भय के अंधेरे को दूर भगाने के लिए दीप प्रज्वलित कीजिए। वैसे भी जो हमारी परंपरा है, हम संध्या काल के अंदर तुलसा के आसपास दीपक रखते ही हैं, तो दीप प्रज्वलित कीजिए अपनी योग्यता सामर्थ्य और विश्वास के अनुसार, या फिर थोड़ी देर के लिए जो प्रकाश है उसके अनेक प्रकार हैं, तो वो प्रयोग कीजिए जैसा व्यवस्था ने आपको सुझाव दिया है। धन्यवाद। खुश रहिए, त्रुटियों के लिए क्षमा।